तुम्हें पसंद आया ना इस? हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये बाबा कहाँ रह गए? हाँ खुश आमदीद बैरन साहिबा, क्या सरप्राइज दिया है? बहुत शुक्रिया। शौकत साहब माफ कीजिएगा, हम यूं ही बिन बुलाए चले आए। कैसी बातें कर रहे हैं, खुश आमदीद। शुक्रिया। सलाम। शौकत अंकल, ये सारी सजावट मैंने की है, और आपको ये सब देखकर कैसा लगा? वाकई में जबरदस्त माहिरा मेरी जान, जबरदस्त। अच्छा बात सुनो रिफत, माहिरा के साथ अंदर जाओ, सजावट का सामान और भी रखा हुआ है, लेकर आ जाओ, खाना तैयार होने से पहले वो भी लगा देते हैं। चलो जाओ, शाबाश। चलो ठीक है, भागना शुरू करते हैं, देखते हैं हम में से कौन जीतता है। मैं। आ जाओ, एक दो तीन भागो। रुको, मैं जीत जाऊंगा। वीडियो अभी तक पोस्ट क्यों नहीं हुई है? बेशर्मी देखो, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाला तो यहां आ गया, और जब इससे काम नहीं बना तो वो कॉफी हाउस चला गया। उस शख्स का कुछ करना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता गुस्से में आपके साथ कुछ बुरा हो जाता तो? वो शख्स नाकाबले बर्दाश्त है, अक्सर वो इस तरह लोगों की बेबुनियाद खबरों को शाया करता रहता है, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते। अगर उसकी वजह से मेरे घर वालों को परेशानी हो रही है तो मुझे उससे बात करनी होगी। पागल हो गई हो क्या? कोई जरूरत नहीं है। सोना, ऐसा मत सोचो बिल्कुल, प्लीज। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, अगर मेरे लिए ऐसा करना चाहती हो तो बिल्कुल मत करना। ये भी तो हो सकता है कि मेरे गुस्सा करने पर वो अपना इरादा बदल ले। सोना, अगर तुमने उस शख्स को एक दफा भी इंटरव्यू दे दिया ना, तो वो सारी जिंदगी तुम्हारा पीछे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और याद रखना, अगर तुम उसे इंटरव्यू दे भी देती हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात तो उसी तरह छाप देगा? खुदा जाने वो इसमें क्या क्या शामिल कर देगा। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें इस तरह से पहचाने, एक नकली माँ के रूप में तुम्हारी तस्वीरें लोगों के सामने उभर उभर के आए? मतलब तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें इस तरह के नाम से याद रखें? हाँ मैं ऐसा नहीं चाहती, मगर तुम्हारी बहन ठीक कह रही है, ऐसा सोचना भी मत, ठीक है? तो ठीक है, फिर क्या करें? वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो इंसानों की जबान नहीं समझ रहा तो फिर उसे किसी और जबान में समझाना होगा। बैरन साहब, आपके पास उसका नंबर जरूर होगा, मुझे दीजिए, मैं उससे बात करके देखता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मुझे क्या मिला। दिखाओ मुझे, इधर बैठो। ये तो बहुत ही प्यारा है भाई। इसे कहाँ लटकाएं? तुम बताओ। मुझे लगता है कि ये ठीक होगा, अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मेरे ख्याल में इसे वहाँ लटका देना चाहिए। वहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। इसे एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह पब्लिश किया है ना? हाँ हाँ, मसला नहीं है कोई, झगड़े का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। जबरदस्त। मुझे जरा ये बताओ कि मेरी तस्वीरें कैसी आई हैं? ये देखें, आप कितने परेशान और घबराए हुए लग रहे हैं। अच्छा खैर, बैरन साहिबा ने जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखा दिया, बहुत आला। सब लोग सोना के घर मौजूद हैं। कौन कौन? निजात साहब, माहिरा, बैरन साहिबा। तो फिर हम भी चलते हैं, क्योंकि तुम्हें घरेलू माहौल बहुत पसंद है ना? नहीं, हमें जाने की जरूरत नहीं। क्यों? हाँ वो मुझे ज्यादातर अकेले रहना पसंद है। लेकिन तुम तो मुझे घरेलू टाइप की लगती हो। कौन, क्या मैं? कितने अफसोस की बात है, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। मैंने जो देखा मैंने वही बताया। यहाँ तक कि मुझसे तो घर पे भी नहीं बैठा जाता, क्योंकि मैं एक आजाद ख्याल लड़की हूँ। मतलब एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकती, हवाओं में उड़ने को दिल करता है मेरा। कहाँ खो गए हैं आप? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं बिगड़ी हुई लड़की हूँ? वैसे हम बहुत ही जबरदस्त जगह पर पहुँचने वाले हैं। नहीं, जब आपने ये मौजू खोल दिया तो मैंने सोचा बता दूं। मैं कैसी हूँ आपको मालूम होना चाहिए ना। अरे तुम तो मुझे हमेशा ठीक करने में ही लगी रहती हो, और वो भी उस शख्स के साथ जो हमेशा हिसाब किताब से चलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती हो, मैंने तो कभी तुम्हें अपनी मनमानी करते हुए नहीं देखा। गाड़ी साइड पे रोके। क्यों? उतरना है। क्यों उतरना है? दिल चाह रहा है इसीलिए। रोके ना। यहाँ तुम किस लिए उतर रही हो? वो इसलिए कि आपको लगता है कि मैं आजाद और खुद मुख्तार नहीं हूँ, इसीलिए साबित करके दिखाऊंगी अभी मैं। तुम्हें नहीं लगता तुम कोई बेवकूफी कर रही हो? यहाँ तो कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। नहीं,
कोई मसला नहीं, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आते जाते रहेंगे, मैं टहलती हुई चली जाऊँगी। ठीक है, मान लिया कि तुम आजाद ख्याल हो, जो करना है करो, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मुझे कॉल कर देना। बिल्कुल जरूरत नहीं इसकी, अगर आना होगा तो खुद आ सकती हूँ, मैं आजाद ख्याल हूँ, खुद मुख्तार लड़की हूँ। ये भी मुमकिन है वापस ना आऊं और कहीं और चली जाऊं। तो क्या जाऊं मैं? जाएं? पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा मैं। मत देखिएगा। देखो तो जरा इसे, कैसी लड़की है ये। वाकई चला गया, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, टैक्सी भी नजर नहीं आ रही यहाँ। निजात साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब एक खबर पहले छप चुकी है, फिर आपका बंदा मुझे क्यों धमकियां दे रहा है? क्या करूं मैं, ये खबर मीडिया के हवाले कर दूं? आप बेफिक्र हो जाएं निजात साहब, हिलमी ने जो किया मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन आप परेशान ना हो, ये खबर शाया नहीं होगी। ठीक है, आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निजात, क्या हुआ? सब ठीक है, फिक्र मत करो। चलिए, आप सब भी अपना मूड ठीक कर लें अब। ठीक है। हाँ तो फिर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल शुरू करते हैं। बस इतनी सी खबर? असल खबर कहाँ है? ये शख्स किसी काम का नहीं। हेलो, खबर कहाँ है वो? आपकी वजह से मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा, काश आपकी बात ना मानता मैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, निजात साहब ने मेरे बॉस से बात की थी, लगता है उन्हें डराया धमकाया है, मुझे 10 मिनट के अंदर नौकरी से निकाल दिया। सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन मुझे यकीन है इस खबर को शाया करने का कोई और रास्ता निकाल लोगे। हेलो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ निजात, तुम इसका हिसाब दोगे। सानिया साहबा, आप रहने दीजिए, मैं लेकर जाता हूँ। अरे अरे बिल्कुल नहीं, आप ऐसा करें कि आप अनीसा आंटी की मदद कर दीजिए। ये लीजिए हैरी साहब। अरे रुकिए रुकिए, आप खाली हाथ कहाँ जा रहे हैं, ये भी लेते जाइए। हैरी साहब, ये मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। अरे पेरेंट साहबा, कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज बैठी रहिए, हैरी साहब ले जाएंगे, आप परेशान मत हो। अनीसा आंटी, आप भी बैठ जाए। बाकी का मैं देख लूंगी हैरी साहब, प्लीज अब आप जाइए। बिल्कुल भी नहीं,
तुम्हारी मदद किए बगैर नहीं जाऊंगा मैं यहाँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मेहमान हैं यहाँ पर। आरजी ही सही मगर मेहमान है। लेकिन मैं अपनी यादें छोड़कर जाना चाहता हूँ ताकि जब भी तुम इन बर्तनों को देखो तो मेरी याद आए तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, ये मुझे दे। सानिया, माफी चाहता हूँ, हाथ से गिर गया मेरे, अभी उठा लेता हूँ मैं। वैसे डर क्यों गए आप मेरी आवाज से? हाँ, मैं तो बहुत आराम से आया हूँ। कुछ लोगों का पता नहीं होता कि कब वो किस चीज से डर जाए। बहरहाल माफी चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? सानिया, एक मिनट के लिए आना। हाँ कहो, क्या बात है? हैरी और तुम्हारे दरमियान कुछ है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी कहते रहते हो रिफत। कब से देख रहा हूँ उसकी नजरें तुमसे हटती नहीं। बेकार बातें मत करो। हाँ, जो तुम्हारे मुंह में आता है कह देते हो, बस करो। बैरन साहिबा और बाबा को देख रही हो, कितना हंस हंस के बातें कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे रिफत? क्या एक दूसरे के आमने सामने मुंह बंद करके बैठ जाएंगे क्या? हद हो गई है। क्या इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? सानिया, कॉफी हाउस में देखना चाहिए था तुम्हें। देखना चाहिए था कि वो बाबा को लेकर कितनी फिक्रमंद है। मुझे कुछ नहीं मालूम, वक्त जाया मत करो मेरा, बहुत काम है मुझे। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें इतनी दिलचस्पी हो रही है तो बाबा के पास जाओ और साफ साफ पूछ लो उनसे। क्या हुआ है, मैं जवाब दे गई तुम्हारी? बस बड़बड़ करवा लो तुमसे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, भले यकीन ना करो मेरा। क्या बातें हो रही है रिफत? कुछ नहीं बैरन साहिबा, एक बात थी जिस पर मैं और सानिया आपस में शर्त लगा रहे थे। वैसे आप क्या ढूंढ रही हैं बताएं? वॉशरूम जाना था मुझे। हाँ हाँ, बस एक ही बात पकड़ ली है इसने। माशाल्लाह, हर चीज के बारे में पता है इन्हें। सानिया, तुम भले यकीन ना करो मेरा। यहाँ आपका ब्रेसलेट रखा था, रिफत अंकल ने यहाँ से उठाकर मेरे हाथों में पहना दिया था। उन्होंने कहा कि अब से ये तुम्हारा। अच्छा किया उन्होंने। तुम्हें कुछ और भी पसंद है तो ले सकती हो तुम। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि हाई स्कूल तक आप इस डॉल के साथ सोती थी? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने इसका नाम अपनी अम्मी के नाम से रखा है? बिल्कुल, जब अम्मी की याद आती है तो मैं इसे गले लगा लेती हूँ और मैं अपने दिल की तमाम बातें करती हूँ। क्या आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। क्या आपको आपकी अम्मी याद है? जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मैं बहुत छोटी थी, इसलिए सही से याद नहीं। क्या आपने कभी अपनी अम्मी के बारे में पूछा कि वो कैसी दिखती थी? क्यों नहीं पूछा था, बिल्कुल पूछा था। हर उस इंसान से जो उन्हें जानता था, वो कैसी दिखती थी, उनकी आदतें क्या थी, वो क्या करती थी। अपनी माँ के बारे में तो जानना चाहिए ना। मैं भी जानना चाहती हूँ। तुम भी अपनी माँ के बारे में जो कुछ भी जानना चाहती हो बाबा से पूछ सकती हो। मैं बाबा से अम्मी के बारे में पूछती थी लेकिन वो मुझ पे गुस्सा हो जाते थे। अब वो ऐसा नहीं करेंगे और ना ही वो तुम पर गुस्सा होंगे। और आप गुस्सा करेंगी? कभी नहीं, ना बुरा लगेगा ना ही गुस्सा आएगा। अपनी अम्मी के बारे में जानना तुम्हारा हक है। जो गाना मैंने आपको रिकॉर्ड करके भेजा था, क्या वो हम सुने? हाँ हाँ सुनते हैं। ठीक है, प्ले करते हैं। हाँ आपकी प्यारी बेटी सोना को आपका रिकॉर्ड किया हुआ गाना सुना रही है। कैसे गाया हमने? बहुत अच्छा है मेरी जान, बहुत अच्छा है। आइलैंड, क्या तुम नर्वस हो? हाँ, क्योंकि कल हेयरिंग जो है। ये केस खत्म होते ही तुम वापस आ जाओगी ना? हाँ बिल्कुल, जल्दी वापस आ जाऊंगी।
तुमको जो दास लग रही हो मुझे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आइलन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हमारी बेटी होगी तो हम उसका ही नाम माहिरा रख लेंगे। फैबियन ऐसी बातें मत करो प्लीज। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ये सब कह रहा था। अच्छा ठीक है, जाने दो ये बात। खुदा हाफिज। आइलन हम घर पहुंच गए मेरी जान। बाबा हम घर आ गए बेटा। बाबा। हाँ बेटा। ये बताएं कि सोना अम्मी खुश थी? बहुत खुश थी और तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही थी। बाबा अगर आप चाहें तो सोना अम्मी से शादी कर सकते हैं। क्या सच में? चाहो तो एक बार फिर सोच लो तुम। जी जी मैंने सोच लिया है कि आप शादी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब जागी गई हो तो कपड़े बदल लो। ठीक चलो उठो। शाबाश शाबाश। ये क्या है? समझ नहीं आ रहा। गए नहीं अभी तक? हाँ कौन सी जबान में बात कर रही हो तुम्हें समझ आ रहा? ये क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे करो? रुक जाओ निजात। मेरी बेटी से सवाल करोगे? उफ खुदाया ये कितना घटिया आदमी है। बेटी के आसपास नजर आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पसंद आई वीडियो आपको सोना साहिबा? तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ अब आपका पीछा नहीं करूंगा, बेफिक्र हो जाए। जाहिर सी बात है जब आप लोगों की ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड होगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये हर जगह फैल जाएगी। अरे नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम ये क्यों कर रहे हो और ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे हो? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। निजात साहब की मेहरबानी से मेरी नौकरी चली गई, इसका हिसाब तो वो चुकाएंगे। देखो फिलहाल तुम ऐसा कुछ भी मत करना, हम कुछ ना कुछ कर तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस दिलवा देंगे। मैं अपनी नौकरी वापस हासिल कर लूंगा, आप इसकी फिक्र मत करें। जहां तक आपकी बात है तो मैं आपको एक आखिरी मौका देना चाहूंगा। कल मुझसे आकर मिले इंटरव्यू के लिए, तभी निजात साहब का ये रूप दुनिया के सामने छुपा रहेगा। हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है, इसे आप आखिरी मौका समझें। आपकी कहानी आपकी जबानी सुनना चाहते हैं लोग, तो सुना दें सबको। ठीक है मैं आऊंगी, मगर ये पोस्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा है कल मुलाकात होती है, मगर बात सुने, अगर कल मुझे किसी और मसले का सामना करना पड़ा तो ये वीडियो उसी वक्त अपलोड कर दूंगा मैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कल मिलकर बात करते हैं। शब्बा खैर सोना साहिबा। गुड मॉर्निंग। क्या तलाक हो गई? हियरिंग अभी शुरू नहीं हुई। निजात अभी तक कोई खबर नहीं आई, लगता है हम तूफान का रुख बदलने में कामयाब हो गए। बैरन साहिबा का शुक्रगुजार होना चाहिए इसके हाँ, लिए। बिल्कुल सही कहा, मैं उन्हें एक अच्छी इंसान समझता था लेकिन वो एक फरिश्ता निकली। उस हिलमी नामी रिपोर्टर की कोई खैर खबर है? उसे अंदाजा हो गया कि वो गलत बंदे से टक्कर ले बैठा है, तुम फिक्र मत करो। क्या किया तुमने? समझाना पड़ा कि किसी को तंग करना बुरी बात है। यानी अब सिर्फ तलाक का मामला रह गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हो? तैयार हूं, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं मैं। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तो फिर सेलिब्रेशन तो बनती है ना? जरूर करते हैं कुछ, बाद में कॉल करता हूं।
निजात के लिए करना होगा मुझे। हेलो सोना साहिबा, हिलमी बात कर रहा हूँ। कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल गया? आना कहाँ है? चेंगलकोई के पार्क में आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं 20 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी। किसे बात कर रही थी तुम? निजात। अच्छा, सब खैरे तो है? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परेशान मत हो, मुझे देर हो रही है। ठीक है। क्या ये मेरे लिए है? बहुत शुक्रिया। चीनी के बगैर है। ये बताओ, क्या नाराज हो मुझसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद को होश में लाना था ना। वाह, तो खुद को होश में लाया जा रहा है। दोस्तों के साथ काफी अच्छा वक्त गुजरा। कौन से दोस्त? सोना और सानिया? क्या इनके अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं हो सकता? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो क्या किया दोस्तों के साथ? तुम्हारे दोस्त मेल हैं या फीमेल? इंसान अच्छा होना चाहिए, मेल या फीमेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक तकरीब में गई थी मैं। ओह, वैसे मुझे भी पार्टीज बहुत पसंद हैं, और खास तौर पर पार्टी बड़ी हो तो। वैसे उस तकरीब का इख्तिताम बहुत बुरे तरीके से हुआ। क्या हुआ? क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर भाग गया? बात यह है कि मैंने उसे बहुत रोका कि शादी ना करो। अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी शादी के चक्कर में ना पड़ती। तो फिर क्या उसने तुम्हारी बात मान ली? हाँ ना, जाहिर सी बात है, ये बहुत अहमकाना फैसला होता ना। एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं और शादी जैसे ताल्लुक में बन जाए। ठीक है, शादी करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब हर किस नहीं कि आप खुद को किसी और का पाबंद कर लें। इस तरह का फैसला ना मुझे बहुत अहमकाना लगता है सच में। क्या तुमने किसी नफ्सियाती अस्पताल में तो काम करना शुरू नहीं कर दिया? एक दफा ये सबक सीख चुकी हूँ और दोबारा नहीं सीखना चाहती हूँ। कौन सा सबक? जिंदगी से जुड़े बहुत अहम फैसले सोच समझ के किए जाते हैं, जज्बात में बहकर नहीं, ताकि आगे चलकर कोई पछतावा ना हो। तो फैसला समझ के करना चाहिए। ये तो सचमुच कॉफी है। अरे बुर्जू, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चाहो तो अपनी कॉफी साथ लेकर चल सकती हो, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं। कहाँ? मैं लेकर जा रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें चलना है। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। जो भी बात करनी है यहीं पर करें। आपके सामने खड़ी हूँ, भागी नहीं जा रही हूँ। यहाँ से बाहर जाना जरूरी क्यों है? आखिर मसला क्या है आपके साथ? जो कहना है कहिए, मैं सुन रही हूँ। अरे हम उन क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं जिन्हें हांदे अपने तरफ कर रही है। तो हम क्लाइंट से मीटिंग करने जा रहे हैं? यानी हम वहाँ अकेले नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ तो ठीक है, फिर चलते हैं। क्या हुआ, एकदम से नॉर्मल हो गई? क्लाइंट से बहुत प्यार है मुझे। निजात यिलमाज और आइलैंड काया यिलमाज, इन दोनों को अदालत एक दूसरे से अलहदगी की इजाजत देती है, और इन दोनों की रजामंदी से इनकी बेटी माहिरा की कस्टडी बाप के हवाले की जाती है। आइलैंड साहबा, क्या इस फैसले में कोई रद्दबदल चाहती हैं आप? माहिरा, आइलैंड साहबा, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। कार्रवाई खत्म की जाती है। बहुत शुक्रिया। सब खत्म। अब हम आजाद हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना आसान होगा, और मैंने भी ये नहीं सोचा था कि इतना मुश्किल होगा मेरे लिए।
मैंने टिकट्स बुक करवा ली हैं, मैं वापस जा रही हूँ कल पेरिस। उम्मीद है तुम हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया। अगर मैं कभी यहाँ वापस आती हूँ तो क्या माहिरा से मिल सकती हूँ मैं? हो सकता है तुम माहिरा से माँ के तौर पर मिलो। मैं उसे बता दूंगा कि उसकी माँ तुम हो। इसके लिए हमें बस कुछ वक्त चाहिए होगा एलन। खुदा हाफिज एलन काया। खुदा हाफिज नजात। निजात, जाने से पहले क्या आखिरी दफा माहिरा से मिल सकती हूं मैं? जरूर। बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। तुम कहां हो सोना? सलाम। तो तुम इस तरह से कमाते हो? जाहिर है जिंदा रहने के लिए हाथ पांव तो चलाने पड़ते हैं। खैर पहले आपकी कुछ तस्वीरें लेना चाहूंगा मैं। पहले हम जरा बात कर लें, उसके बाद फोटो खींच लेना। ठीक है, जरूर। तुम वो वीडियो कभी पोस्ट नहीं करोगे। तुम इंटरव्यू लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यही तय हुआ था हमारे बीच। कैसे मान लूं कि तुम इस बात पर कायम रहोगे? यूं समझ ले जैसे ये कोई बिजनेस डील हो रही है। मेरा मतलब है आपके इंटरव्यू के बदले वो वीडियो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है, जो पूछना है पूछो, खत्म करो। माहिरा की माँ का किरदार अदा करने के लिए आपने निजात साहब से पैसे लिए थे? 2 लाख लिए थे। 2 लाख? ठीक है, निजात साहब से कैसे मुलाकात हुई? क्या उन्होंने आपको ढूंढा था या फिर जैसे उन्होंने कहा कि इत्तफाकन मिले थे आप लोग? आप मेरी कॉल पर मुझसे मिलने के लिए आ गई, आपका बहुत शुक्रिया बेलन साहबा। कोई बात नहीं, आपने मायरा ग्लासेस छोड़ दिए सुनकर अफसोस हुआ। एक दिन ऐसा होना ही था। अफसोस के साथ निजात ने जज्बात में आके कुछ ऐसे फैसले कर लिए जो कंपनी के लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप नकली माँ वाली बात कर रही हैं, सही कहा ना मैंने? जी। देखिए, आप सोना को, यानी सोना को आइलैंड के रूप में बहुत पसंद करती थी ना, लेकिन बहुत अरसे तक मैं इस बात से खुद भी लाइन थी। यहाँ तक कि मैंने रिफत को आपके ड्राइवर के तौर पर ऑफर कर दिया, जिसका अफसोस है मुझे। माफी चाहती हूँ। हर तरफ उनका खानदान फैला है, यकीनन अब आप भी उसे नौकरी से निकालने का सोच रही होंगी। हाँ, दिख रहा है कि लोगों की पहचान नहीं आपको। वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है हांदे? अंदाजा तो हो गया होगा कि आपको क्यों बुलाया है मैंने यहाँ। आप चाहती हैं मायरा ग्लासेस छोड़कर मैं आपके साथ काम करना शुरू कर दूँ? अक्लमंदी तो यही लगती है मुझे, और मुझे तो लगता है कि आपको अपने पार्टनर से भी इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। मुझे हमेशा से ऐसी औरतें पसंद हैं जो जानती हैं उन्हें क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप भी ऐसे ही हैं। यानी किसी चीज़ को पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं, सही कहा ना मैंने? मिसाल के तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जर्नलिस्ट को वहाँ भेजना जिसका होना वहाँ बनता नहीं था, और फिर निजात साहब को भड़काना। मुझे तो ये एक सोची समझी साजिश लगती है। आपको लगता है इसमें मैं मुलव्वस हूँ? मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये स्कैंडल सामने आने पर ज़्यादातर फ़ायदा किसको होगा हांदे? जो कुछ हुआ उससे मैं भी खुश नहीं। जैसे कि आपने कहा, आप अपना मकसद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि हमारे दरमियान कोई राज रहे। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहती हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि सब कुछ बता देना चाहिए आपको। हम्म,
हेलो निजात साहब। हेलो सानिया, मेरा सोना से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, अगर वो पास में है तो उससे मेरी बात करवाओ। मगर वो अभी अभी आपसे ही मिलने के लिए तो निकली है। मुझसे मिलने के लिए निकली है? हाँ, उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे यही कहा कि वो आपसे मिलने जा रही है। तो क्या वो अभी तक नहीं पहुँची? मैं तो अभी अभी अदालत से निकला हूँ, मेरी सोना से कोई बात नहीं हुई। हद कर दी है इसने, आखिर ये लड़की कर क्या रही है? सानिया क्या हुआ बताओ मुझे। निजात साहब एक मिनट, मुझे उसके कमरे में एक विजिटिंग कार्ड मिला है, किसी जर्नलिस्ट का है, हिलमी नाम है उसका। क्या आप इस जर्नलिस्ट को जानते हैं? ठीक है सानिया, शुक्रिया। ये है कौन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। या खुदाया, क्या मुसीबत है। तुम उस आदमी से मिलने चली गई सोना? नहीं यार नहीं। आपसे मिलने से पहले मैंने सोच लिया था कि आपको बताना पड़ेगा। चले अच्छा है, कम से कम आपको अंदाजा तो हो गया ना कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। और ये कि मैं आप और आपके पार्टनर्स के साथ काम करना चाहती हूँ, क्या कहती हैं? मायरा क्लासेस छोड़ने का इरादा नहीं रखती हूँ। तो आप मेरी बातें रिकॉर्ड कर रही थी? ऐसा आपने क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। मायरा ग्लासेस के कस्टमर्स का पीछा करना छोड़ दो, जो भी करना चाहती हो अपने बलबूते पर करो। तुम एक अकलमंद औरत हो, कुछ भी कर सकती हो। एक बात और, आइंदा सोना और निजात के दरमियान रुकावट नहीं बनना। अब तो ऐसे मैं आपकी धमकी समझूं? मशवरा समझ लो हांदे, अगर तुमने मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा बहुत। ये करने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगी मैं, और तुम्हें तुम्हारी नई कंपनी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ हांदे। खुदा हाफिज़।